ये भुलक्कर को देखिए, है देखिए, है देखिए भुलक्कर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं हम आपका नए व्लॉग में। नए व्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ये रही हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, आप वहां पर फॉलो कर लीजिए। वहां पर हम डेली लाइव आते हैं और आपको भी लाइव कॉल पर लेते हैं और ढेरों बातचीत करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए व्लॉग की। जी अभी हम आए हुए थे छत पर कपड़ा फैलाने के लिए, सोचे कि चलिए यहीं से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और जी आज जो है वाईफाई डिस्टर्ब है, सुबह से मेरा सारा काम ठप पड़ा हुआ है। तो जी चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या कर रही है जी। वाईफाई आया जी? नहीं आया। परेशान कर रखा है लेकिन ये वाईफाई वाला भी, हर कुछ दिन पर डिस्टर्ब रहता ही है इसका वाईफाई। नहीं है ना। हद है यार, कैसे काम करेंगे बताओ। फोन का डेटा कितना देर चलेगा? वही तो, मेरा 50% खत्म भी हो गया। जल्दी से यहाँ पर जियो फाइबर एयरटेल सब बड़ा बड़ा कंपनी है, यहाँ मोनोपोली जमा रखा है। दो तीन ही कंपनी, एक BSNL है, एक रेल वायर है और एक ABC है, और इन तीनों के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। जिनसे भी पूछता हूँ सभी बता रहे हैं कि सभी कैसा ही हाल है। तो ये तीन का मोनोपोली है, सोच रहे हैं कि कहाँ जाएंगे लोग, कैसी भी सर्विस देंगे, रहना यहीं पर है। सही बात। यहाँ पर जानते हैं इंस्टॉलेशन चार्ज यहाँ पर 5,000 रुपए लेते हैं। जहाँ दिल्ली में वाईफाई इंस्टॉलेशन चार्ज सबका देते थे हम लोग 200-300 रुपया देते थे, वो भी मन से, वो भी कोई कोई लेता भी नहीं था, अपने मन से ही हम लोग दे देते थे। और यहाँ देखिए ये हाल है, चंडीगढ़ में भी गए थे वहाँ भी ये हाल नहीं था, और यहाँ कटिहार में क्या हाल है पता नहीं। 5,000 रुपये किस बात का इंस्टॉलेशन चार्ज। और जी एक बात क्या है, एक खुशी की बात है कि जिया ने अपना फोन रिचार्ज करा लिया। इसको हम कितना दिन से कह रहे थे फोन रिचार्ज कर लो। भाई नहीं तो वाईफाई का भी खर्चा दे और फोन का भी खर्चा दे, तो वाईफाई लगाए क्यों है? देख रहे हैं जी, बचत करने वाली पत्नी, एकदम कंजूस पत्नी। आप इतना तो आप बताओ, आप क्यों रिचार्ज करा ली फिर? क्योंकि अब चल ही नहीं रहा था, रात से खत्म हो गया था और मुझे गूगल पे पे अकाउंट बनाना था। जब तक रिचार्ज नहीं करते तो मैसेज आता नहीं इसी। तो इसको गूगल पे पर अपना खाता खोलना था, तब तक उसमें कोई पैक नहीं रहता, तब तक मैसेज आता नहीं, जब तक मैसेज आता नहीं इसका अकाउंट बनता नहीं। तो गूगल पे का अकाउंट बनाने के लिए 149 रुपये जियो का पैक लिया है। देख लिया जी क्या जबरदस्त रीजन है। भाग खाना खाना है अभी से 3-4 घंटे बाद। पहले ये तुम चावल को पानी में डाल के रखी है, पता है चावल में पेंट किया हुआ रहता है। अच्छा समझे, तो आप यदि चावल को पानी में पहले ही डाल दोगे तो सारा पेंट जो उसका घुल के निकल जाता है। डैडी जो है शुगर के पेशेंट है ना। अच्छा, तो शुगर के पेशेंट के लिए बोला जाता है इस तरह का, तो उनको चावल खाना मना है लेकिन फिर भी खाएंगे ही डैडी, इसलिए इसमें बनाते हैं, कुकर में नहीं बनाते हैं। भाई साहब इतनी गर्मी है, क्या यहाँ पर बैठेंगे, बस वाईफाई चल नहीं रहा है, क्या कहे जी। मैसेज कर दिया, कॉल करते हैं, कॉल भी नहीं उठा रहा, इतनी धांधली है उन लोगों की। अब चलते हैं किचन, किचन में देखते हैं जिया क्या कर रही है। इतनी गर्मी है उसका तो और हालत खराब होगा। बोल रहे बाहर में। इसका क्या हालत खराब रहेगा, ये तो आराम से मोबाइल चला रही है, कोई गर्मी क्या ठंड क्या बारिश। टाइम पास कर रहे हैं, मेरा खाना उधर बन रहा है, मैं बैठे हूं। खाना बन रहा है, ये जाती है, ये तो चावल ऐसे बनाती है, हमसे कुकर में ही बन पाता है। जब भी हम इसमें चावल बनाने का कोशिश करते हैं हमेशा जो है चावल गीला हो जाता है, हरदम कुकर में ही बनता है हमसे। वैसे आपसे बनता क्या यही बता दो हम आपको। बनता क्या, बहुत कुछ बनता है। एक मैगी छोड़ करके, झालमुड़ी छोड़ करके, चाय भी बनाने आता है आपको? चाय भी हम बना लेंगे ठीक ठाक। कैसे बनाते हैं बताओ तो आप, चाय वो हम बाद में बताएंगे, अभी क्यों बताएंगे। हो गया, बैंड बज गया आपका। अब मार्केट भी जाना है आज। मुझे पता है, और याद भी है, मेरा याददाश्त कमजोर नहीं है। बहुत बढ़िया, अपना काम है तो कैसे भूलेगी मार्केट का। आईब्रो बनवाना है, वैसे आईब्रो बनवाने के बाद 30 वाले ब्लॉग में भी किए थे लेकिन बन नहीं पाया। तो फिर जब आए थे इंस्टाग्राम लाइव में तो सबको कह रही थी कि आईब्रो लगता है नहीं बनवाई है ये। नहीं क्योंकि बहुत रात हो गया था ना इस वजह से, और अब बोले चलो अब। तब कितना रात में क्या वहाँ पर रुकना था। मिला कहाँ है? हथौड़ी वहाँ पर है, लो लो बोलो। दो इधर, दो काम है उधर मजदूर को।
ये जा रही है भाई साहब को देनी है थोड़ी, ये लीजिए। अरे सुनो ना, ऊपर तो काम कर रहा है लेबर, सबको चाय चाहिए, जल्दी चाय बना दो। हमको टाइम पता है, वही करने जा रहे। बहुत बढ़िया, वही सोच रहे इतना देर से बना ही का है ना। टाइम है, जब टाइम होता है हम टाइम पे काम करते हैं। चाय कहाँ है? चाय वो रखा हुआ है। कहाँ पर है खिड़की लगा? उसका भी यहीं रख दीजिए। ये जी हमारे कन्हैया भैया खिड़की के पेंटिंग का काम कर रहे हैं, और आप में से कई लोग कहते भी हैं कि होम टूर करवाइए। जी होम टूर अब इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि ऊपर शिफ्ट नहीं हुए हम लोग। शिफ्ट होने से पहले हम लोग के घर में गृह प्रवेश होता है, तो जब गृह प्रवेश हो जाएगा फिर हम लोग ऊपर आएंगे, शिफ्ट होंगे फिर करवाएंगे जी आपको होम टूर, एक एक चीज दिखाएंगे। और कन्हैया भैया कब तक खत्म होगा ये सब काम? दस दिन और लगेगा। सोचे हुए थे कि 21 जून को हम लोग का था मैरिज एनिवर्सरी। 21 जून को? हाँ 21 जून को सोचे थे कि उस दिन शिफ्ट हो जाएंगे। अब सितंबर आ गया है। हाँ वही इंतजार कर रहे हैं कि कब शिफ्ट हो। अब निजी घर में जैसे कुछ साफ सफाई भी करना है, इधर उधर है, तो सोच रहे क्या साफ सफाई कर जब ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ना सही बात, जैसे भाड़ा के लिए आया था ना। हाँ भाड़ा भी लग जाता था ना। भाड़ा के लिए तो अब आते ही जाते रह रहा है, इतना आ रहा है भाड़ा के लिए। बहुत आदमी आता है, कल फिर दो लेडीज आया। अच्छा हाँ कल। तो जी हो क्या रहा है हम लोगों के साथ कि जैसे ही लोग देख रहे हैं कि ऊपर में घर बन रहा है, फिनिश हो रहा है, तो नीचे किराए के लिए लोग पूछने आ रहे हैं। अभी जो छत पर देखे थे हम किन्हीं से बात कर रहे थे, वो थे हमारे कन्हैया भैया। तो कन्हैया भैया की एक कहानी सुनाता हूँ। क्या कहानी है? क्या हुआ, एक दिन घर पे कम था, नींबू का बोले चाय बनाते हैं, उस दिन से नींबू का चाय पिया है, बोलते हैं वो नींबू है। तो उस दिन के बाद से उनके लिए अलग से नींबू का चाय बन जाता है। और जी जो आपके घर का काम कर रहे हैं उनको इज्जत देना चाहिए, उन एक तरह से कहिए तो आपके घर की नींव वही रख रहे हैं। तो जब भी कुछ मांगे तो खुश रखिए कि उनको क्या ज्यादा है, छोटी छोटी सी खुशी है रख देती है उनका। अजी पानी ले गया है, और ले जाएगा। ये बन रहा है जी आलू की भुजिया, और आलू की भुजिया की रेसिपी भी डालना था हमें यूट्यूब पर। जिया ने ही कहा था कि आलू की भुजिया की रेसिपी डालना है हमके। चलो भाई ठीक है डालो। इसको पूरा सेटअप भी करके दे दिए, ट्राइपॉड में लगा दिए, मोबाइल यहाँ भी लगा दिए। हाँ और ये क्या बताते हैं, यहाँ भी लगा दिए, और कढ़ाई में तेल जितना जो डालना था सब डाल दिए, लाइट भी ऑन कर लिए, लेकिन कैमरा ऑन करना ही भूल गए। देखे जी कितनी बुद्धिमानी वाला काम किया है, है ना? ज्यादा बोलो नहीं, आपसे भी होता है। उसी होता है तो हमको भी ताना दे दिएगी ना, तो आज हम ताना देने का मौका थोड़े छोड़ेंगे। देख रहे हो ये भुलक्कर को, देखिए है, देखिए है, देखिए भुलक्कर भुलक्कर आपको, आपसे कम भूलते हैं। आज भूली ना तुम, आप ही उधर भूल जिया 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 कर रहे थे। जिया जिया क्या कर रहे थे? आज फिर जला नहीं देना, बस क्रंची बना रहे, जलाएंगे ऐसी बंद कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ही बोलोगे आज क्रंची नहीं बनाएंगे। और ये जी हमारा लग गया खाना, दाल देखिए क्या एकदम मेरी पसंद का ख्याल रखा गया है, बीन्स का भुजिया, आलू भुजिया, दाल, ये भी देखिए घी, एकदम शुद्ध देसी घी है, तभी कोई फायदा नहीं, शरीर ऐसा ही रहता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ कर नहीं सकती है, खा सकती है तो खाने बैठो जल्दी। तो जी कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा जी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है जब आप वीडियो को शेयर करते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।